बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद WB। और हमारी प्रैग्मेटिक्स की सीरीज जो है वो स्टार्ट है, और उसका है लेक्चर नंबर 2, जिसमें क्या चैप्टर 2 मैं इसको कंप्लीट कवर करूंगी, जो कि है डायक्सिस इन डिस्टेंस। सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि पास्ट पेपर में इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्या आया हुआ है। पास्ट पेपर में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस डायक्टिक एक्सप्रेशंस इन डिटेल विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो इस वीडियो में हम लोग डायक्टिक एक्सप्रेशंस को ही पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायक्सिस इन प्रैग्मैटिक्स। डायक्सिस जो है ये एक टेक्निकल टर्म है, जो कि ग्रीक टर्म है, और ये हमारी मोस्ट बेसिक थिंग है जो कि हम लोग अपने अटेंसेस में यूज़ करते हैं। इसका मतलब है किसी चीज़ को पॉइंटिंग करना, यानी पॉइंटिंग करना अपनी लैंग्वेज के थ्रू, और इसको डायक्टिक एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। ये जो है ये वर्ड जो है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो एक लिसनर और रीडर को जो उनके सराउंडिंग में जो सिचुएशन है उसको समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायक्टिक एक्सप्रेशन में प्रोनाउंस आ जाते हैं, लाइक ही शी दिस डैट, एज वेल एज उसमें टेंसेज आ जाते हैं, टाइम रिलेटेड एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं, और साथ जैसा कि नाउ देन एंड टूडे। सबसे पहले है पर्सन डायक्सिस। पर्सन डायक्सिस जो है ये प्रैग्मैटिक्स में रेफर करता है कि लैंग्वेज इन कोड द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द कन्वर्सेशन, यानी कि इसमें जो स्पीकर की आइडेंटिटी है या जो रीडर या लिसनर की आइडेंटिटी है उसको शो करवाया जाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंड हु इज़ स्पीकिंग, यानी कि कौन बात कर रहा है, यानी स्पीकर, हु इज़ बींग टू स्पोकन टू, या फिर किससे बात की जा रही है, और यहाँ पे जो तीसरा एस्पेक्ट है वो होता है हु और व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, क्या कहा जा रहा है और किसके बारे में बात की जा रही है। ये तीन प्राइमरी पर्सन डायक्सिस हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो रेफर करता है स्पीकर को या स्पीकर्स को, यानी कि जैसे कि नीचे एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्टोर या वी वॉन द गेम। अब इसमें जो है ये आई और वी, जैसे कि फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल हुए हैं आई और वी का इस्तेमाल, यानी कि स्पीकर जो है वो अपने बारे में बात कर रहा है। उसके बाद देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो है ये रेफर करता है पर्सन और पीपल बीइंग एड्रेसेस, यानी आप सेकंड पर्सन किसे बात कर रहे हो, किसी के साथ आप बात कर रहे हो। एक स्पीकर जो है वो किसी के साथ बात कर रहा है, यानी कि किसी को एड्रेस कर रहा है। कैन यू पास द साल्ट प्लीज़, या फिर दूसरी एग्जांपल है यू शुड टेक अ ब्रेक। अब इसमें जो है वो स्पीकर किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा है, किसी और को एड्रेस कर रहा है, यानी सेकंड पर्सन को। उसके बाद आ जाती है थर्ड पर्सन। इसमें रेफर किया जाता है किसी चीज़ को या फिर स्पीकर को, और या फिर पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, या फिर किसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि इसमें जो है वो थर्ड पर्सन का यूज़ होता है, यानी कि पर्सन बीइंग एड्रेस्ड, यानी कि किसी इंसान को मुखातिब किया जा रहा है कि ही इज़ कमिंग टू द पार्टी। ही जो है वो थर्ड पर्सन है, और अगर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ कि ही इज़ कमिंग टू द पार्टी, यानी मैं सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ ना थर्ड पर्सन के बारे में, तो ये होता है थर्ड पर्सन डायक्सिस। ये जो सारी एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं, हाँ ये हमें बताती हैं कि हाउ डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ पर्सन डायक्सिस टू इंडिकेट हु इज़ स्पीकिंग, यानी कि कौन बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, हु इज़ बींग स्पोकन टू, किससे बात की जा रही है सेकेंड पर्सन, हु और वट इज़ बींग डिस्कस्ड, या फिर किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि थर्ड पर्सन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पेशियल डायक्सिस। कुछ लोग उसको स्पेशल डायक्सिस कहते हैं, कुछ लोग स्पेशियल डायक्सिस कहते हैं, आप अपने मुताबिक जो भी कह सकते हैं। स्पेशल डायक्सिस, स्पेशल डायक्सिस जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को पता चलता है लोकेशन का, डायरेक्शन का और डिस्टेंस का कम्युनिकेशन के दौरान, यानी कि इट हेल्प्स स्पीकर्स एंड लिसनर अंडरस्टैंड द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। इसके भी तीन किस्म के टाइप्स हैं, इसमें आ जाती हैं प्रॉक्सिमल, मेडियल और डिस्टल। अब जो प्रॉक्सिमल स्पेशल डायक्सिस है वो जो है ये रेफर करता है लोकेशन को या ऑब्जेक्ट को जो कि स्पीकर के बिल्कुल क्लोज हो, यानी कि एग्जांपल से समझते हैं, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि ये स्पीकर के बहुत ज़्यादा क्लोज है और इसके जिसके जिस बुक के बारे में बात हो रही है। इस ये जो प्रॉक्सिमल स्पेशल डायक्सिस हैं इसमें जो वर्डिंग यूज होती हैं वो होती हैं दिस, हेयर, माइन। उसके बाद सेकेंड वाला है मेडियल स्पेशल डायक्सिस। ये जो है ये रेफर करता है लोकेशन को जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों के पास होगी, यानी कि उनके दोनों के करीब होगी। अब इसमें जो है वो एग्जांपल देखते हैं, डैट चेयर ओवर देयर इज़ कंफर्टेबल, और इसमें जो है डैट, देयर और देन का वर्ड इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद डिस्टल स्पेशल डायक्सिस रेफर्स टू द लोकेशन और ऑब्जेक्ट डैट इज़ फार फ्रॉम बोथ स्पीकर एंड द लिसनर।
ये ऐसी लोकेशन को इंडिकेट करता है जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों से बहुत ज़्यादा दूर होगी, यानी कि दोज माउंटेन्स इन द डिस्टेंस आर ब्यूटिफुल। अब ये डिस्टेंस से बात हो रही है जो कि स्पीकर और लिसनर दोनों से बहुत दूर है, किसी लोकेशन की बात हो रही है। ये जो स्पेशल डायक्सिस हैं ये कन्वे करते हैं एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोकेशन के बारे में, कोई सी भी जो किसी लोकेशन के बारे में जो कि किसी ऑब्जेक्ट या प्लेस के बारे में हो सकती है, जो कि हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने को कि स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास थर्ड है टेम्पोरल डायक्सिस। टेम्पोरल डायक्सिस जो है ये रेफर करता है कि टाइम रिलेशन इंफॉर्मेशन को, इन जो कि कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है। ये हेल्प करता है स्पीकर और लिसनर को ये अंडरस्टैंड करने में कि कोई भी इवेंट या एक्शन जो है वो कब जो है वो होने वाला है, या तो वो एक्शन जो है वो स्पीच से यानी कि बताने से पहले ही हो चुका है, या फिर जो है वो आने वाले वक्त में होगा, या फिर वो हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है ये टाइम रिलेटेड है, इसमें डेट्स भी आ सकती हैं और क्लॉक टाइम भी इसमें ऐड है। इसमें भी तीन किस्म के डायक्सिस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्ट टेम्पोरल डायक्सिस। ये रेफर करता है किसी भी एक्शन या इवेंट को जो कि हो चुका है और उसके बारे में बाद में बताया जा रहा है, यानी कि आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर। ठीक है, अब ये उसने एक्ट कर लिया है लेकिन वो बाद में बता रहा है। उसके बाद सेकेंड वाला है नवंबर 22, 2013 आई वॉज इन इस्लामाबाद, यानी कि अब वो बता रहा है कि वो सन 2013 की बात कर रहा है कि उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था। अब ये एक्ट जो है वो हो चुका है लेकिन इसके बारे में बाद में बताया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट टेम्पोरल डायक्सिस। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, प्रेजेंट टेम्पोरल डायक्सिस आना है। ऐसा इवेंट जो कि हो रहा है, जिस वक्त बात की जा रही है उसी वक्त वो एक्ट हो रहा है, यानी कि करंटली जो है वो हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम करंटली रीडिंग अ बुक, जैसे कि अब वो उस वक्त उस टाइम पे वो बुक रीड भी कर रही है और वो साथ में बता रही है कि मैं बुक रीड कर रही हूँ। और यहाँ फिर जो दूसरी एग्जाम्पल है, आई लिव हेयर नाउ। ठीक है, अब ये जो है वो प्रेजेंट की बात हो रही है और एक्ट भी है उसी टाइम हो रहा है और बात भी उसी टाइम की हो रही है। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर टेम्पोरल डायक्सिस। ये इंडिकेट करता है किसी भी एक्शन को जो कि अभी होने वाला है, ठीक है, और उसके बारे में पहले से बताया जा रहा है। आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। या उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, डिनर एट 8 PM ऑन संडे, ओके आई विल सी यू देन, मैं तुमसे मिलूंगा फिर। यानी कि अब ये जो है ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, और ये था फ्यूचर टेम्पोरल। ये सारे टेम्पोरल डायक्सिस जो है वो अलाउ करते हैं स्पीकर को टू प्लेस एक्शंस और इवेंट इन टाइम, हेल्पिंग टू एस्टेब्लिश अ क्लियर टाइम लाइन और कॉन्टेक्स्ट विद इन द कन्वर्सेशन। यानी कि ये हेल्प करते हैं किसी भी टाइम, किसी भी एक्शन को या इवेंट को समझने में कि वो कब हो रहा है या कब होने वाला है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट वाला टॉपिक है डायक्सिस एंड ग्रामर। डायक्सिस और ग्रामर जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि ग्रामर के ही वर्ड्स जो हैं वही डायक्सिस में यूज़ होते हैं, प्रैग्मैटिक्स डायक्सिस में वही वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब इनको जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, यानी कि ये दोनों जो है बोथ इन्वॉल्व प्रोनाउंस, दोनों जो है वो प्रोनाउंस में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ही शी इट जो है वो प्रोनाउंस हैं और ये डायक्टिक एक्सप्रेशन जो हैं ये वो हैं। उसके बाद बोथ डील विद टेंसेज एंड एस्पेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि इन द सेंटेंस आई हैव फिनिश माई होमवर्क, ये जो है ये सेंटेंस है और ये है ये कह रहा है कि मैंने अपना काम जो है वो ख़त्म कर लिया, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, और ये प्रेजेंट से रेलिवेंस है। ठीक है, और ये प्रैग्मेटिक्स आ गया इसमें। उसके बाद ये दोनों जो है बोथ यूज़ एडवर्ब, दोनों एडवर्ब के जो है वो यूज़ करते हैं। डायक्टिक एडवर्ब जो है लाइक नाउ देन हेयर एंड देयर, ये जो है वो डायक्टिक एडवर्ब्स हैं और यही जो है ये हेल्प करते हैं टेम्पोरल और स्पेशल रिलेशनशिप में, ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये दोनों जो है बोथ रिलाई ऑन सेंटेक्स, दोनों जो है वो सेंटेक्स पे रिलाई करते हैं, किस तरह से जो डायक्टिक एक्सप्रेशन जो हैं वो इंटीग्रेट इनटू सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल, यानी कि वो ग्रामेटिकल रूल्स को ही फॉलो अगर करेंगे तो तभी सही से वर्ड अरेंजमेंट अगर उसका सही होगा, वर्ड ऑर्डर ठीक होगा, तभी हम लोगों को एक मीनिंगफुल जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो कन्वे करेगा, मीनिंगफुल मैसेज जो है वो कन्वे करेगा। जैसा कि सेंटेंस देखते हैं, दे आर कमिंग टुमारो। ठीक है, अब इन्होंने एक ग्रामेटिकली रूल को फॉलो किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और इसमें जो डायक्टिक एक्सप्रेशन यूज हुआ है वो हुआ है टुमारो का। ठीक है, इस पोजिशन विद इन अ सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंटेक्स, ये बेस हुआ है ये सेंटेक्स के लिहाज से ही हुआ है ना। उसके बाद ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो ग्रामर है और जो सेंटेक्स है, ये दोनों मिलके काम करते हैं, और दोनों अगर मिलके काम करते हैं इसीलिए वो एक अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने डायक्सिस के बारे में कंप्लीट चैप्टर जो है वो कवर करवाया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।